हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रल के लेक्चर नंबर 8 करेंगे। इससे पहले लेक्चर नंबर 7 में हम लोग एक्सरसाइज 7.4 के बेसिक पॉइंट एंड कुछ क्वेश्चंस देख चुके हैं। चलो आज स्टार्ट करेंगे 7.5 के बेसिक पॉइंट्स। तो सबसे पहले आपको जानना है यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर आप देखोगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो चलो देखते हैं इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। तो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर मेन आपको ये जानना है कि ये फॉर्मेट्स है, इसी फॉर्मेट के ऊपर में कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो हम उसको किस तरह से, किस फॉर्मेट के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे वो ध्यान दो। जैसे आपको दिया गया है कि अगर पी एक्स प्लस क्यू यानी कोई लीनियर इक्वेशन दिया हो और यहाँ x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, इस फॉर्म में अगर कोई रेशनल फंक्शन दिया गया तो हम इसको क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शंस में इसको इक्वल कर लेंगे a अपॉन x माइनस ए प्लस b अपॉन x माइनस बी, और a और b की वैल्यू को कंपेयर करके निकाल लेंगे और इसके बाद नॉर्मल जो हमने फॉर्मूला सीखा उसके हिसाब से इंटीग्रेट करेंगे। इसी तरह से दूसरा आपका है कि अगर आपका इंटेग जो रेशनल फंक्शन दिया गया है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, यानी ऊपर तो लीनियर है और यहाँ पे किसी भी एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो यहाँ भी क्या करेंगे ए अपॉन में एक्स माइनस ए आएगा और प्लस बी अपॉन में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस फॉर्मेट को आपको बिल्कुल याद रखना है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो हम इसको ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे और फिर a और b को कंपेयर करके a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसी तरह से थर्ड पॉइंट है आपका पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, यानी ऊपर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो और नीचे तीन फैक्टर हो x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस बी, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे a अपॉन x माइनस ए बी अपॉन x माइनस बी सी अपॉन x माइनस सी मान लेंगे, सपोज कर लेंगे और कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर नॉर्मल तरीके से इसको इंटीग्रेट करेंगे। अगला आपका फॉर्मेट है कि अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि भाई ऊपर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर और नीचे एक फैक्टर का स्क्वायर है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एक्स माइनस बी, तो यहाँ क्या होगा ए अपॉन में पहले आएगा एक्स माइनस ए फिर बी अपॉन में आएगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर फिर सी अपॉन में एक्स माइनस, तो ये पैटर्न आपको याद रखना है और फिर इसी को हम कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। अगला जो फिफ्थ पॉइंट आपका है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स एक्स प्लस आर और नीचे दिया हुआ है एक्स माइनस ए इंटू क्वाड्रेटिक फॉर्म से, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे ए अपॉन में तो आ जाएगा एक्स माइनस ए और जो दूसरा क्वाड्रेटिक है उसको मानेंगे बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, तो इसको याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कोई भी ऐसा फॉर्मेट होगा तो अब इस फॉर्मेट इसको ब्रेक करोगे। चलो देखते हैं इसके ऊपर में एग्जाम्पल्स किस तरह से क्वेश्चन को आप इसके यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे देखो कि ये पहला हमारा एग्जाम्पल नंबर 11 एनसीईआरटी बुक का ये क्वेश्चन है और एग्जाम्पल 11 को हम देख रहे हैं यहाँ। तो 11 क्वेश्चंस में आप देखो कह रहा फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस वन x प्लस टू, तो सबसे पहला काम है कि जिसका इंटीग्रेट करना है इसको पहले सिंप्लीफाई करो। हमने 1 अपॉन x प्लस वन x प्लस टू का फॉर्म था तो a अपॉन x प्लस वन x प्लस टू हो गया। आप कंपेयर कैसे करते हैं तो देखो इसको हम क्या करोगे कि इसका आप एलसीएम ले लो, इसका आप एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा x प्लस वन इंटू में आ जाएगा x प्लस टू। नॉर्मल तरीका क्या कहता है x प्लस वन से ये कैंसिल होता है तो आपको क्या मिलेगा a इंटू में आपको मिलेगा x प्लस टू और प्लस बी, एक्स प्लस टू से ये कैंसिल हो जाएगा तो बी इंटू में क्या मिलेगा एक्स प्लस वन। अब आप देखोगे कि अगर हम इसको कंपेयर करें इसका न्यूमिरेटर ए और इसका न्यूमिरेटर ये है, डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है तो न्यूमिरेटर सेम होगा तो आपने वन इक्वल टू ये लिख दिया, वन इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस टू प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन। अब अगर इसको थोड़ा सा ब्रेक करें कंपेयर करने के लिए तो ये क्या होगा ए एक्स प्लस बी एक्स, यानी अगर आप एक्स कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा ए प्लस बी, एक्स प्लस बी एक्स पे एक्स कॉमन ले लिया, अब ये टू ए प्लस बी आ गया तो ये प्लस में आपका आ जाएगा टू ए प्लस में क्या आ गया बी। अब आप कंपेयर करोगे ये वन है यहाँ पर x का कोफिशियंट क्या है जीरो, यहाँ x का कोफिशियंट a प्लस बी है तो a प्लस बी आ जाएगा जीरो और यहाँ देखोगे कि कॉन्स्टेंट वन है यहाँ कॉन्स्टेंट टू ए प्लस बी है तो
ए प्लस बी क्या हो जाएगा, वन। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के कई रूल्स हैं, या तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि यहाँ से बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ए, यहाँ बी की जगह क्या लिख दोगे, माइनस ए, तो टू ए माइनस ए वन, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन। जब ए आपका वन निकल जाएगा तो यहाँ पुट कर दोगे वन प्लस बी जीरो, तो बी क्या आ जाएगा, माइनस, होता है ए और बी दोनों फाइंड हो गया, राइट। अब ए और बी जब दोनों फाइंड हो जाएगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो वन अपॉन एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू को क्या लिख सकते हो, ए अपॉन एक्स प्लस वन, यानी वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस में बी अपॉन एक्स प्लस टू, तो माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू, तो इसका इंटीग्रेशन था, तो इंटीग्रेशन लगाओगे तो वन बाई एक्स प्लस वन डी एक्स माइनस में वन बाई एक्स प्लस टू डी, तो इंटीग्रेशन और वन बाई एक्स आपने क्या सीखा है, आपने सीख रखा है कि इंटीग्रेशन, यहाँ लिख देते हैं, आपने ये फॉर्मूला सीख रखा है कि इंटीग्रेट, जो बच्चे नए हो वो हमारे इससे पहले वाली क्लासेस को चेक कर सकते हो, जिसमें हमने शुरू से लेक्चर वन से इंटीग्रेशन स्टार्ट किया। इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स क्या आ जाएगा आपका, लॉग ऑफ एक्स प्लस में सी, तो यहाँ पे x की जगह x प्लस वन है तो log x प्लस वन आ गया, और इंटीग्रेशन वन एक्स टू क्या होता है, log x प्लस टू, माइनस है तो माइनस रहेगा x प्लस टू। फिर log में फॉर्मेट बताया था, ये फॉर्मेट आपको सिखाया था log के अंदर, कि कभी भी ऐसा आ जाए log m माइनस log n को हम क्या लिखते हैं, log m by n, राइट। यहाँ आप देखोगे log x प्लस वन अपॉन x प्लस टू प्लस सी आपका राइट आंसर आ गया। ये था पहला क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शंस का। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर, ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखोगे, ये क्वेश्चन है तुम्हारा एग्जांपल नंबर 12। ट्वेल्थ एग्जाम्पल में देखोगे क्या कह रहा, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। तो सबसे पहला काम है कि ऊपर तो तुम्हें क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, और ये भी क्वाड्रेटिक है, लेकिन आप इसको फैक्टर बना सकते हो। अगर आप इसको फैक्टर बनाओगे तो क्या आएगा, टू थ्री जा सिक्स, यानी एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री का फैक्टर बना सकते हैं। तो चलो देखते हैं इसका फैक्टर यहाँ बनाया गया है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वन और ये एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस में सिक्स है। तो अगर आप इसको इसमें लिख दिया है, इस तरह क्या किया है, आप इसको सेटिंग किया है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है। इसने क्या किया कि पहले इसको इससे डिवाइड किया, तो डिवाइड अगर आप करोगे तो क्या कंडीशन थी, दोनों का दोनों क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म है, दोनों का दोनों क्वाड्रेटिक फॉर्म है। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, पीछे जो आपने फॉर्मेट सीखा उससे भी कर सकते हैं, कि अगर आपको ऊपर जो है क्वाड्रेटिक, जैसे ये फॉर्मेट था आपका, देख सकते हो ये फॉर्मेट हमने सिखाया था, कि अगर आपको ऊपर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो, जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो और नीचे आपका फैक्टर दिया हो, नीचे जो फैक्टर आपको दिया गया वो फैक्टर दिया हो या क्वाड, लेकिन आप देखोगे नीचे जो फैक्टर उसके केवल दो ही फैक्टर बन गए, ऊपर में क्वाड्रेटिक फॉर्म रहा और नीचे दो फैक्टर्स ही बन रहा है। इसलिए इसने क्या किया, ऐसे क्वेश्चन के लिए इसमें डिविजन रूल अप्लाई किया। जैसे आप देखोगे यहाँ ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस में सिक्स है, तो सबसे पहला काम क्या है कि आपने क्या किया कि एक्स स्क्वायर माइनस फाइव से कह रहा है एक्स को कह रहा हमें हेयर इंटीग्रांड इंटीग्रांड नॉट अ प्रोपर रेशनल फ्रैक्शन, ये प्रोपर रेशनल फ्रैक्शन नहीं है, सो भी क्या करेंगे हम इसको डिवाइड कर देंगे किससे, सो भी डिवाइड इतना एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। इसको जो डिवाइड करोगे आप तो आप चेक कर सकते हो कि डिवाइड में क्या होगा, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि ये क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन नॉट प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि जिसका न्यूमरेटर कम हो और डिनोमिनेटर ज्यादा हो, लेकिन यहाँ क्या है कि जो न्यूमरेटर है वो ज्यादा है डिनोमिनेटर कम है, तो ये क्या है प्रॉपर इम्प्रॉपर फंक्शन प्रॉपर नहीं है, तो इसको प्रॉपर नहीं है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, पहले इसको प्रॉपर लाने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स से आप इसको डिवाइड करो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन को आप डिवाइड करोगे तो एक से जाएगा, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस सिक्स आ जाएगा और माइनस का फाइव, माइनस माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपको क्या मिलेगा 5x माइनस का 5। आप इसको क्या लिख सकते हो, आपके पास ये तो कंप्लीट कट के आ गया और रिमाइंडर आपका क्या बचा 5x माइनस 5।
और ये क्या है x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो तो अब इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। यहाँ पे यही लिखा गया है, इसको हमने क्या किया ध्यान दो, हमने बिल्कुल इसको इसी फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया। अब आप देखोगे कि ये हमने क्या किया, यहाँ देखो यही फॉर्मेट है, वन का वन लिख दिया और ये 5x माइनस 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आपने लिख दिया। अब इसके बाद क्या होगा वो फॉर्मेट आपको बता रहे हैं, तो चलो इसको पहले हम हटाते हैं। तो अब आप देखोगे कि जब आपने यहाँ तक समझ गए कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इससे डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद ये फॉर्म आ जाएगा, ये कोशेंट आ गया, ये आपका रिमाइंडर है बटे में जो डिवाइजर था। अब ये वन का वन हो गया, इसको हमने फैक्टर बना दिया। फैक्टर बनाना आप सीख चुके हो, जैसे देख लो दोबारा से एक्स स्क्वायर है माइनस 5x प्लस इसको अगर फैक्टर बनाते हो तो एक्स स्क्वायर 6 को ले दोगे 2 3 जा 6 तो क्या आएगा माइनस 2x माइनस 3x प्लस। तो एक्स अगर आप कॉमन लोगे तो ये आएगा एक्स माइनस 2 माइनस में 3 कॉमन लोगे एक्स माइनस 2, ये एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2 आ जाएगा आपका और इन टू में क्या आ जाएगा एक्स माइनस 2। यहाँ लिख दिया एक्स माइनस 2। अब ये लीनियर इक्वेशन है और ये दो फैक्टर्स है, तो हमने क्या ट्रिक सीखा था ए अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 3। अब सेम फॉर्मेट आ जाएगा, अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे क्या आएगा एक्स माइनस 2 इन टू में आ जाएगा आपका एक्स माइनस और ये क्या आएगा ए इन टू में एक्स माइनस 3 और प्लस में आ जाएगा बी इन टू में एक्स माइनस 2। अब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है, न्यूमरेटर को सेम कर दिया। अब सेम वही बात होगी, अगर हम एक्स वाले को एक तरफ लेंगे तो क्या होगा ए एक्स प्लस बी एक्स है तो ये आपका बनेगा ए प्लस में बी और प्लस में क्या आ जाएगा माइनस का 3 ए। तो आप यहाँ लिख सकते हो माइनस का 3 ए और माइनस का क्या आ जाएगा 2 बी। तो आप देखोगे कि इस क्वेश्चन में एक्स के साथ 5 है तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा 5 के बराबर हो जाएगा जो यहाँ और 3a माइनस 2b, 3a माइनस 3a माइनस 2b क्या है 5, यहाँ माइनस 5 है तो माइनस कॉमन लोगे 3a प्लस 2b 5 हो जाएगा। अब इस दोनों को सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के कई तरीके हैं। आप देखोगे कि तुम्हारे पास a प्लस बी इक्वल टू 5 है और यहाँ पे 3a प्लस में 2b इक्वल टू 5। तो आप इस क्वेश्चन को कई तरह से आप बना सकते हो। आप एक तरीका ये है कि जैसे मान लो आपने इसको क्या किया 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और घटा दो तो ये क्या आ जाएगा 3a और ये 3a तो कट जाएगा और ये आ जाएगा 3b और ये क्या है 3b माइनस 2। 3b में से 2b घटाओगे तो क्या मिलेगा b और 3 5 जो 15, 15 में से 5 घटाओगे तो क्या मिलेगा 10। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, देखो b आपका 10 निकल गया। अब आप जानते हो कि a प्लस बी 5 है, अगर b की जगह 10 पुट करोगे तो a क्या हो जाएगा 5 माइनस 10 यानी माइनस का 5, तो ये a की वैल्यू क्या जाएगी माइनस 5। अब आप इसमें पुट कर दो, आपने यही माना था कि x स्क्वायर प्लस दिस इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 1 माइनस में 5 अपॉन में आ जाएगा। आप यहाँ पे ब्रेक करोगे तो आप वैल्यू पुट करोगे 1 का 1 लिख दिया। अब 5x माइनस 5 को आपने क्या लिखा है कि x इन टू में a प्लस बी प्लस में 3a माइनस बी यानी कि a अपॉन x माइनस 2 है तो a आपका क्या निकला है माइनस का 5, तो माइनस का 5 बाई x माइनस 2 और b निकला है 10 तो 10 अपॉन में x माइनस 2। इंटीग्रेट करोगे तो d इंटू 1 dx आ गया और माइनस का 5 इंटीग्रेशन 1 बाई x माइनस 2, 10 का इंटीग्रेशन 1 बाई x माइनस 3, तो dx का तो आ जाएगा x, ये 5 log x माइनस 2 आ गया प्लस में 10 log x माइनस 3 प्लस c आपका राइट आंसर आ गया। ये था हमारा एग्जांपल नंबर 12 और जो बिल्कुल इजीली आपने समझ गए, ये तरीका है हमारा पार्शियल फ्रैक्शंस के इजी तरीके। चलो ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन 13 में भी हम देखो बिल्कुल इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप यहाँ देखोगे कि ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है 3x माइनस 2, ये क्या है 3x माइनस 2 तो आपको दिख रहा है कि ये लीनियर इक्वेशन है, इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है x प्लस 2 1 का होल स्क्वायर x प्लस। अभी आपने सीखा था कि कोई भी इस फॉर्म में आता है 3x प्लस क्यू x प्लस a का होल स्क्वायर x माइनस b, तो आप ये मानोगे a अपॉन x प्लस 1 b अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर c अपॉन x प्लस 3।
अब इसका भी सेम काम करेंगे, 3x-2 आ जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे कि अगर आप इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा, एक्स प्लस में 1 का होल स्क्वायर इंटू में आ जाएगा x+3। ये x प्लस 1 से डिवाइड करोगे तो x+1 x+3 ये आ जाएगा a इंटू में x+1 x+3। यहाँ पे भी लिख देते हैं a इंटू में क्या आ जाएगा x+1 और ये आ जाएगा तो x+3। अब इसी तरह b का लोगे तो x+1 का होल स्क्वायर ऑलरेडी है तो x+3 आ जाएगा, तो b इंटू में क्या आ जाएगा x+3। तो b इंटू में हमारा आ जाएगा x+3। चलिए हटा देते हैं, तरीका समझ आई क्या, तो b इंटू में x+3 आ जाएगा और प्लस में ये c है, x+3 से कैंसिल हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर, तो c इंटू में x+1 का होल स्क्वायर। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा b इंटू में c इंटू। अब कंपेयर करोगे, अगर आप पहले x² का कंपेयर करो, x² का अगर आप कंपेयर करोगे तो ax² है, bx है और ये c, यानी a प्लस c। इसको अगर आप फॉर्म को लिखते हो यहाँ पे तो ये आपको क्या मिलेगा, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये आपको मिलेगा अगर हम x² को कॉमन लेते हैं, x² कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा a प्लस में c। इसके बाद x अगर कॉमन लेते हो प्लस में x है, x अगर कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा 4a, ये आ जाएगा आपका 4a, इसमें क्या आ जाएगा b, तो प्लस में आपका आ जाएगा b। और यहाँ पे देखोगे x के साथ है ये आ जाएगा 2c, तो प्लस में क्या आ जाएगा हमारा 2c, ये आपका आ गया x इंटू में हमारा आ जाएगा 4a प्लस b प्लस 2c। अब इसी तरह से देखोगे कि कॉन्स्टेंट नंबर क्या आएगा, तो कॉन्स्टेंट नंबर आ जाएगा आपका 3a इसमें आएगा और प्लस में आपका क्या आ जाएगा 3b आ जाएगा और प्लस में c इंटू 1 प्लस में आ जाएगा c। तो आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे क्या है 3x- यानी x² नहीं है, a प्लस c हो जाएगा 0। ये आपने लिख दिया, ये हमारे पास क्या आ गया, पहला आ गया a प्लस c बराबर 0। और दूसरे में देखोगे x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ इसका 4a प्लस b प्लस 2, तो आप लिख सकते हो कि 4a प्लस में b और प्लस में 2c, 4a प्लस b प्लस 2c किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर आ गया, ये दूसरा पॉइंट। और तीसरे में आप देखोगे कांस्टेंट -2 है, यहाँ कांस्टेंट 3a प्लस 3b प्लस c, तो 3a प्लस 3b प्लस c, 3a प्लस में 3b, 3a प्लस में 3b, 3a प्लस 3b प्लस में आपका है c इक्वल टू क्या है -2, ये थर्ड हो गया। अब आपको a b c की वैल्यू फाइंड करनी, a b c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ 4a प्लस b प्लस 2c है और यहाँ पे 3a प्लस b प्लस c है। अब क्या करोगे, यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगा -a, अब c की वैल्यू पुट कर दो -a, तो ये आ जाएगा सेकेंड में क्या आ जाएगा 4a आ जाएगा और ये प्लस में आपका क्या आ गया b, और 2c की जगह आप क्या लिख सकते हो, 2c की जगह लिख सकते हो माइनस का 2a, क्योंकि c आपका माइनस a है, 2c हो जाएगा 2 माइनस 2a, और दिस इक्वल टू क्या आ गया, ये आ जाएगा तुम्हारा 4a-2a डेट इज 2a प्लस में b इक्वल टू 3। इसको मान लो 1, 2, 3, ये फोर्थ हो गया। इसी तरह से आप देखोगे कि इसमें भी हमारे पास क्या है 3a प्लस में 3b और c की जगह क्या लिख दोगे माइनस का a, दिस इक्वल टू माइनस 2, तो क्या मिलेगा 3a माइनस a आपका आ जाएगा 2a प्लस में आ जाएगा 3b इक्वल टू माइनस 2, आ गया 5। अब यहाँ 2a प्लस b है, यहाँ 2a प्लस 3b, इन दोनों को घटाओगे यानी कि फोर्थ माइनस 3 क्या होगा 2a से 2a कट जाएगा और b माइनस 3b क्या होगा माइनस का 2, ये आ जाएगा माइनस 2 और ये आपका दिया गया है कितना 2a प्लस b, इसमें था 2a प्लस b तो 2a से 2a कट गया, b माइनस 3b आ जाएगा माइनस का 2 और ये 3 है और ये माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 2 क्या आ जाएगा 5, तो इससे b की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 5/2। आप देखोगे b की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 5/2, तो b निकल गया। जब आपको b निकल गया अब आप इसमें
क्या निकाल सकते हो, ए निकाल सकते हो। कैसे, तो 2a प्लस बी आपका 3 है, तो 2a बराबर क्या हो जाएगा, 3 माइनस, तो 3 माइनस बी, तो 3 माइनस बी की वैल्यू क्या है, माइनस का 5/2 दिया जाएगा, प्लस का आ जाएगा 5/2। इसको सॉल्व करोगे 3 2 6 प्लस 5 11 अपॉन 2, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 11, और ये 2 नीचे आ जाएगा 11 अपॉन 4, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 11 अपॉन 4। जब ए आपका निकल जाएगा तो ए प्लस सी 0, सी क्या है माइनस ए, यानी एक सी क्या है माइनस ए के बराबर, तो सी बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 11/4, सी निकल गया -11/4। अब आप देखोगे कि आपका जो क्वेश्चन था 3x माइनस 2/3, ए की जगह आपने लिख दिया 11/4 एक्स प्लस 1 आ गया, बी की जगह आपने लिख दिया माइनस का 5/2 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और सी की जगह लिख दिया माइनस का 11/4 एक्स प्लस 3। तो अब ये 11/4 कॉन्स्टेंट आ गया, वन आपका इंटीग्रेशन 1/x + 1 माइनस में 5/2 इंटीग्रेशन 1/x + 1 का होल स्क्वायर माइनस 11/4 इंटीग्रेशन 1/x + 3, ये आ जाएगा 11/4 log x प्लस 1 माइनस 5/2 x प्लस 1 का होल स्क्वायर था, तो x प्लस 1 का क्या रहा पावर -2, जब -2 आ जाएगा तो पावर आ जाएगा नीचे, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 5/2 है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 की पावर 2 है, x प्लस 1 की पावर 2 है, तो 5/2 तो ऐसे ही रहेगा, और ये आ जाएगा आपका क्या फॉर्मूला होता है, ये इंटीग्रेशन ऑफ x की n बराबर होता है x की n प्लस 1 बाई n प्लस 1, तो माइनस टू प्लस वन, तो -2 + 1 क्या आ जाएगा -1, तो -1 आ जाएगा, तो ये फॉर्म बन जाएगा -5/2 इंटू x प्लस 1, और प्लस में क्या आ जाएगा आपका सी। अब आप देखोगे ये लॉग वाला टर्म्स है, ये भी लॉग वाला टर्म्स है, 11/4 तो कॉमन आ गया, ये पॉजिटिव ये निगेटिव है, log x प्लस 1 बाई x प्लस 3 प्लस में 5/2 x प्लस 1 प्लस सी, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। ये था आपका इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शंस एग्जाम्पल नंबर 13 एनसीईआरटी को। चलो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब आप देखोगे कि अगले पॉइंट की हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जानना है क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 14। इस 14 क्वेश्चन में आप देखोगे, ये 14 क्वेश्चन क्या है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 14। यहाँ भी देखो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया हुआ है, और यहाँ देखो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को वाई मान लिया, तो वाई मान लिया तो ये क्या बन जाएगा, वाई अपॉन में वाई प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1। अब आपका काम आसान हो गया, ये फॉर्म आ गया हमारा लीनियर इक्वेशन अपॉन x प्लस 6 प्लस 1, इसको मान लोगे a अपॉन y प्लस 1 b अपॉन y प्लस 4, फिर इसको सेम फॉर्मेट आप अप्लाई करोगे जो हमने फर्स्ट एग्जांपल अभी बताया आपको, इसका एलसीएम क्या आएगा, y प्लस 1 इंटू में आ जाएगा y प्लस 4, ये आप लोगे a इंटू में आ जाएगा y प्लस का 4 और प्लस में b इंटू में क्या आएगा y प्लस 1। अगर आप कंपेयर करोगे तो डिनोमिनेटर तो सेम है, न्यूमरेटर y इक्वल टू दिस आ जाएगा। अब आप देखोगे कि इसमें हम y को अगर कॉमन लेते हैं तो ए वाई बी वाई, यानी ये क्या आ जाएगा a प्लस बी, और कॉन्स्टेंट को अगर आप लिखोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 4a और प्लस में आ जाएगा। अब आप y है, y का जो कॉफिशियंट 1 है, यहाँ a प्लस बी, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा 1 के बराबर, और कॉन्स्टेंट टर्म इसमें नहीं है 0 है, तो 4a प्लस बी क्या आ जाएगा 0। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कई तरीके हैं, a प्लस बी 1 है, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि 4a प्लस बी बराबर 0 और a प्लस बी क्या है माइनस का 1, सॉरी प्लस का 1। अब अगर हम इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा 3 इक्वल टू माइनस 1, ए क्या आ जाएगा माइनस 1/3। देखो a की वैल्यू क्या गई माइनस 1/3, अब a प्लस बी आपका 1 है तो b क्या हो जाएगा 1 माइनस का a, ये आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस a आपका आ गया 1/3, 3 प्लस 1 क्या जाएगा 4/3, b की ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे आप पुट कर दोगे x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दोगे
माइनस में वन वाई थ्री इंटू, यानी ये तो माइनस थ्री है, इंटू में वाई प्लस वन था तो एक्स स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा। और अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये फॉर्मेट आ गया। अब ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, और ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, दोनों का सेम फॉर्मेट आ गया। इसके लिए हमने पहले आपको ट्रिक बता रखा है और डायरेक्ट फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। चलो दिखाते हैं आपको। ये फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स स्क्वायर, क्या होता है वन, ये फॉर्मूला हमने बताया था आपको कि इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला आपको याद होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन में अगर आपको दिया हो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिक्स, ये क्या होता है वन बाई ए, वन अपॉन में ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस, यहाँ वन एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर का मतलब है वन का स्क्वायर, यानी ए आपका वन है, वन बाई ए तो वन बाई थ्री तो अपनी जगह पे है, वन बाई ए तो वन बाई वन तो वन ही होता है, टेन इनवर्स एक्स बाई ए तो एक्स बाई वन एक्स ही होगा, ये आ गया। अब ये फोर बाई थ्री को आपने छोड़ दिया, वन बाई टू ऐसे आ गया, तो ये फोर का मतलब क्या है इसको लिख सकते हैं टू का स्क्वायर, तो ए आपका टू आ गया, तो वन बाई टू टेन इनवर्स एक्स बाई ए यानी एक्स बाई टू प्लस सी आपका राइट आंसर है। इसको दो सब को आप काट दोगे तो यह जाएगा आपका वन बाई थ्री टेन इनवर्स एक्स, टू बाई थ्री टेन इनवर्स एक्स बाई टू प्लस सी आपका आंसर बिल्कुल राइट है। इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को आप इजिली पार्शियल फ्रैक्शन से बना सकते हो। और जिस बच्चे ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स की सारी क्लासेस आपको लगातार फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। अगर आप पेड क्लास लेना चाहते हैं तब आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे लिख सकते हो, वरना फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए ओनली आपको क्या करना है हमारे यूट्यूब चैनल ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करना है और आपको सारी क्लासेस लगातार मिलती रहे। चलो 15 को एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो क्या है इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन 5 माइनस 2 इंटू कॉस 5, और ये 5 माइनस कॉस स्क्वायर 5 माइनस में 4 साइन 5 डी 5, ये किसी फॉर्मेट में नहीं आ रहा है, इसको फॉर्मेट बनाएंगे। हमने साइन 5 को y मान लिया, इससे फायदा होगा कि dy by d5 cos 5 होता है, तो dy क्या आ जाएगा cos 5 dy, तो अब इसकी जगह आप देखोगे cos 5 d5 की जगह तो ये dy आ गया, और साइन 5 को आपने क्या मान लिया y, तो ये 3y माइनस 2 हो जाएगा, और ये cos स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर y, ये 1 माइनस y का स्क्वायर, एक फॉर्मेट बन जाएगा। चलो देखते हैं क्या फॉर्मेट बनता है आपका। तो ये फॉर्मेट आपने देखा कि यहाँ पे हमारा ये फॉर्मेट बन रहा है कि जो हमें दिया गया है क्वेश्चंस उसमें हमने साइन फाइव को क्या माना है वाई, इससे फायदा ये हुआ कि ये आ गया इंटीग्रेशन थ्री वाई माइनस टू, और ये कॉस फाइव डी फाइव को डी वाई होता है, फाइव माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर फाइव क्या होगा वन माइनस साइन स्क्वायर फाइव, वन माइनस वाई का स्क्वायर इंटू में और माइनस में फोर साइन वाई तो फोर वाई आ गया। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे थ्री वाई माइनस टू नीचे आ जाएगा फाइव माइनस वन प्लस में वाई का स्क्वायर माइनस फोर वाई, वाई स्क्वायर पहले लिख दिया माइनस का फोर वाई लिख दिया, और ये आपका था फाइव और ये माइनस वन, फाइव माइनस वन फोर होता है, ये फॉर्म आ गया थ्री वाई माइनस टू, इसको आप क्या लिख सकते हैं वाई माइनस टू का होल स्क्वायर, वाई माइनस टू का होल स्क्वायर यानी वाई माइनस टू इंटू वाई माइनस टू, ये लीनियर है और नीचे दो फैक्टर है, तो क्या टेक्स लिखा था कि ए अपॉन में आ जाएगा वाई माइनस टू प्लस में आ जाएगा बी अपॉन में वाई माइनस टू का होल स्क्वायर। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो ये ट्रिक लगाना पड़ेगा, वाई माइनस टू का होल स्क्वायर है तो ए अपॉन में वाई माइनस टू प्लस बी अपॉन वाई माइनस टू का होल स्क्वायर। अब सेम पहले वाला रूल अप्लाई करोगे, अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा वाई माइनस टू का होल स्क्वायर, ये वाई माइनस टू है तो एक वाई माइनस टू बचेगा तो ए इंटू में आ जाएगा वाई माइनस टू प्लस में ये वाई माइनस टू का स्क्वायर सब कैंसिल एक बचेगा तो ये बी, कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा थ्री वाई माइनस टू ई वाई माइनस टू प्लस बी, अगर आप इसको थोड़ा ब्रेक करोगे तो वाई का कोफिशियन तो सिंपल क्या है ई वाई, और ये क्या आ जाएगा माइनस का टू ए प्लस में बी, यानी वाई के साथ थ्री यहाँ ए है, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी थ्री। अब ये माइनस टू कॉन्स्टेंट है, यहाँ माइनस टू ए प्लस बी इक्वल टू माइनस टू, माइनस टू ए माइनस का टू ए प्लस बी या बी माइनस टू ए क्या है माइनस टू, तो ए की वैल्यू तो थ्री है तो बी माइनस सिक्स हो जाएगा माइनस टू, तो बी क्या आ जाएगा माइनस टू प्लस सिक्स यानी कि बी फोर आ जाएगा।
अब आप वैल्यू पुट कर दोगे इसमें, ए अपॉन वाई माइनस टू यानी थ्री अपॉन वाई माइनस टू प्लस बी की जगह आपने लिखा फोर, फोर अपॉन माइनस टू का होल स्क्वायर, ये थ्री आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ वन वाई स्क्वायर होता है लॉग एक्स, तो लॉग वाई माइनस टू, फोर कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या है वाई माइनस टू का होल स्क्वायर, वाई माइनस टू का होल स्क्वायर का मतलब वाई माइनस टू की पावर क्या आ गई माइनस टू, माइनस टू प्लस वन और नीचे आ जाएगा माइनस, तो माइनस का आ जाएगा एक बटे में वाई माइनस टू प्लस सी, और वाई की जगह हम पुट कर देंगे साइन फाइव, तो ये आपका क्या आ गया राइट आंसर आ गया। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा पार्शियल फ्रैक्शंस का तो आप इजीली इसको बना सकते हैं, इसीलिए क्वेश्चन को आप हमेशा क्लास को पूरा कंप्लीट देखा करो, ताकि कुछ ऐसी चीजें होती है जो स्टार्ट में नहीं आएगा लेकिन बाद में आपको वो चीजें फिर क्लियर हो जाती है। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 16 है, ये 16 क्या कह रहा है आपका एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, यानी ये क्वाड्रेटिक है और विद फैक्टर्स में। तो आपने सीखा था कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसका न्यूमरेटर क्वाड्रेटिक दिया हो और नीचे फैक्टर हो, तो आप क्या करेंगे ए अपॉन एक्स प्लस टू और बी एक्स प्लस सी अपॉन में आ जाएगा क्वाड्रेटिक वाला, एलसीएम लोगे तो वही चीज है, ऊपर तो सीम रहेगा और ए इंटू में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन और बी एक्स प्लस सी में आ जाएगा एक्स प्लस टू। अब आप इसको थोड़ा सा अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ए बी सी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो ए बी सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई अगर आप करते हो तो क्या आ जाएगा आपका, तो आप देखो यहाँ कि आप इसको क्या लिख सकते हो, हम इसको लिख दे कि यहाँ पे तो ये सही है आपका कि भाई ए मैन एक्स स्क्वायर अगर आप कॉमन लेते हो यहाँ से आपको ए मिलेगा, यहाँ बी एक्स को एक्स से करोगे तो क्या आ जाएगा बी एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पे क्या मिलेगा प्लस में बी मिलेगा। इसके बाद आप देखोगे कि हम एक्स का कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे एक्स नहीं है, इसमें क्या होगा बी एक्स को एक्स से किया बी एक्स को टू से करोगे टू बी एक्स और यहाँ आ जाएगा सी एक्स, तो टू बी प्लस में सी ये आ जाएगा आपका टू बी एक्स और यहाँ से आ जाएगा सी एक्स, तो अगर आप एक्स कॉमन लोगे तो टू बी प्लस सी ये आ जाएगा आपका टू बी प्लस में सी। इसके बाद कॉन्स्टेंट की अगर बारी करें तो इसमें ए आ जाएगा और यहाँ में देखोगे तो यहाँ क्या आएगा ए यहाँ पे आ गया तुम्हारा ए इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वन और ये बी एक्स प्लस सी है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास जो है बी एक्स को एक्स से करोगे बी एक्स स्क्वायर आ गया बी एक्स टू बी एक्स आ गया सी एक्स आ गया और ये प्लस में टू सी, ये जो हमारा कॉन्स्टेंट क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा हमारा टू सी। अब कंपेयर करोगे तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी वन, टू बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी वन और टू सी इक्वल टू क्या हो जाएगा वन, फिर हम ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। चलो देखते हैं ए बी सी की वैल्यू कैसे निकाला गया है और क्या आ रहा है। ए बी सी की वैल्यू के लिए आप देखोगे यहाँ पे ए प्लस बी आपका वन है, टू बी प्लस सी इक्वल टू वन है और ए प्लस टू सी इक्वल टू वन है, ये बताया था हमने। ए प्लस बी की जो वैल्यू होगी वो आपने भी निकाला था, ये फॉर्मेट आ गया तो ए प्लस बी वन है, टू बी प्लस सी आपका वन है और ए प्लस टू सी इक्वल टू वन, तो आप इसमें वैल्यू कैसे निकालोगे, वैल्यू निकालने का सेम तरीका है, चलो एक बार चेक कराते हैं आपको, जैसे आपने पहले फाइंड किया था वैसे इसको भी निकाल सकते हो। अगर आप देखोगे यहाँ कि हमारे पास जो वैल्यू है ये तो आपको पता चल गया है कि कंपेयर करने के बाद ए प्लस बी इक्वल टू वन आएगा पहला, फिर आपको ये भी पता चल गया है कि टू बी प्लस सी इक्वल टू बी वन आएगा दूसरा और ए प्लस में टू सी इक्वल टू बी वन आएगा तीसरा। अब आप देखोगे कि यहाँ पे ए प्लस बी वन है, टू बी प्लस सी और ये क्या है ए प्लस में टू सी, तो कोई कम मतलब किसी में टैली नहीं कर रहा था, तो आप ठीक क्या करोगे कोई एक वैल्यू आप इसमें से निकालो, अगर आप एक ही वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा वन माइनस बी, तो एक ही वैल्यू अगर आप निकालोगे तो वन माइनस का बी आ जाएगा। तो अब आप देखोगे कि आपने किया पुट पुट बी इक्वल टू, यानी कि अगर आप एक ही वैल्यू निकालो बी के टर्म तो ए इक्वल टू क्या होगा वन माइनस बी इन थर्ड, तो थर्ड में अगर आप पुट करोगे ए की जगह क्या पुट करोगे वन माइनस का बी, वन माइनस का भी थर्ड में पुट करोगे तो ए की जगह आप लिख दोगे वन माइनस और प्लस में क्या आ जाएगा आपका टू सी इक्वल टू वन, ये वन से वन कट जाएगा और आपको क्या मिलेगा
बी इक्वल टू टू सी, बी की वैल्यू आ जाएगी टू सी। आप क्या करोगे तो इस बी की वैल्यू को टू सी अगर हम इसमें पुट कर देते हैं तो क्या होगा, दो इंटू में बी, टू इंटू में, टू इंटू में बी, तो बी की जगह आपका है टू सी, ये आ जाएगा टू सी, और प्लस में सी इक्वल टू वन, फोर सी और एक सी क्या जाएगा फाइव सी, फाइव सी अगर वन होगा तो सी की वैल्यू क्या होगी वन बाई फाइव। तो देखो सी की वैल्यू आपकी बिल्कुल वन बाई फाइव, तो सी आपका निकल गया। आप सी निकल जाता है तो आपके पास कहीं सी निकल जाएगा तो आपका ए भी निकल जाएगा और बी भी निकल जाएगा, क्योंकि आप जानते हो जब सी की वैल्यू आ गई तो ए क्या होगा वन माइनस टू सी, तो ए बराबर है वन माइनस में टू सी, तो वन और ये सी आपका कितना निकला है वन बाई फाइव, वन बाई फाइव निकला है तो ये क्या जाएगा माइनस का टू बाई फाइव, माइनस टू क्या होगा थ्री बाई फाइव। आप देखोगे ए की वैल्यू क्या आ जाएगी थ्री बाई फाइव, तो ए भी निकल गया सी निकल गया और बी क्या है तो बी तो आपका क्या है वन माइनस ए, और आप बी की वैल्यू निकालोगे तो यह आ जाएगा वन माइनस ए यानी वन, ए तो आपका थ्री बाई फाइव है तो माइनस में थ्री बाई फाइव कितना आ जाएगा टू बाई फाइव। तो आपने देखा बी आ गया आपका टू बाई फाइव। अब आप वैल्यू पुट कर दोगे दिस इक्वल टू, सबकी वैल्यू पुट कर दिया, पुट करने के बाद ये आपका इंटीग्रेशन हो गया, थ्री बाई फाइव लॉग एक्स प्लस टू आ जाएगा, फिर ये वन बाई फाइव लॉग, अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव है लॉग स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा, और ये वन बाई फाइव एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होता है वन बाई ए, टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस ए, तो ये आपका वन है वन बाई फाइव टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसी तरह से इसको बना सकते हैं। चलो पहला क्वेश्चन बना के दिखाते हैं आपको, तो आप देखोगे एक्सरसाइज सेवन का जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये क्या कह रहा है, तो एक्सरसाइज का अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की तो हमें कह रहा है कि बताइए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन में एक्स प्लस वन और इंटू में एक्स प्लस टू डीएक्स है। तो रूल कहता है कि सबसे पहले आप क्या करोगे x अपॉन x प्लस वन इंटू में x प्लस टू, इसको आप क्या लिख सकते हो a अपॉन में x प्लस वन और b अपॉन में x प्लस टू। अब आप इसको थोड़ा सा अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा x इक्वल टू आप क्या हो जाएगा a इंटू में x प्लस टू प्लस b इंटू में x प्लस वन। अगर आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो x कॉमन लो आ जाएगा ए प्लस में आ जाएगा बी और ये आ जाएगा आपका टू ए प्लस में बी। अब आप कंपेयर करोगे तो ए प्लस में बी की वैल्यू क्या होगी वन के बराबर और टू ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी जीरो के बराबर, ये आ जाएगा जीरो। अगर आप इसको लेस करोगे तो ये आ जाएगा कट जाएगा ए माइनस टू ए क्या होगा माइनस का ए बराबर वन, तो ए की वैल्यू क्या होगी माइनस वन, ए आपका माइनस वन आ गया। तो ए आपका माइनस वन आ गया तो बी की वैल्यू क्या होगी, बी तो होता है वन माइनस ए, वन प्लस वन क्या आ जाएगा टू, बी आ जाएगा टू। अब आप देखोगे इंटीग्रेशन ऑफ जो वैल्यू दे रखा है आपका एक्स अपॉन में एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू डी एक्स बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ए अपॉन ए की वैल्यू क्या निकाला है ए की वैल्यू माइनस वन, तो माइनस वन अपॉन में आ जाएगा एक्स प्लस वन डी एक्स और बी का वैल्यू क्या आया है टू, प्लस में आ जाएगा आपका टू ले लोगे इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स प्लस टू डी एक्स, ये क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा आपका लॉग एक्स प्लस में वन, माइनस का ये आ गया लॉग एक्स प्लस वन और प्लस में आ जाएगा टू लॉग एक्स प्लस में टू, टू लॉग एक्स प्लस में टू, ये हमारा आंसर आ गया। अपने हिसाब से इसका आंसर आप लिख सकते हो, लिखने के कई तरीके हैं, जैसे ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो आप इसको ऐसे भी टू लॉग एक्स प्लस टू का ये क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो टू लॉग x प्लस टू का होल स्क्वायर है और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका x प्लस वन और ये क्या है मॉड के अंदर प्लस सी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो डिपेंड करता है आंसर पे
कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसका यही बेसिक तरीका है। तो चलो आज के लिए इस क्लास में यहीं तक, कल आपको इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस कराएंगे, आप इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें ताकि आपको पता चल जाए ये पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास के लिए सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हैं पेड क्लास हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख सकते हो और हमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।